कॉस्मिक मडबॉल उल्का पिंड पके हुए ब्रसेल्स स्प्राउट्स की खुशबू आ रही है। यह कीचड़ के एक खंड की तरह दिखता है और तीखी सब्जियों की तरह महक रहा है। ब्रह्मांड के पार का एक आगंतुक जो इस साल की शुरुआत में उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरा था, तथाकथित कॉस्मिक मडबॉल उल्का पिंड के इस टुकड़े को कोस्टारिका के क्षेत्र के लिए अगुआ स्टारकास करार दिया, जहां यह उतरा। वजन लगभग 4 पाउंड 1.8 किलोग्राम। कई चट्टानी या धातु उल्का पिंडों के विपरीत इसकी एक विशिष्ट सुगंध है जो कुछ हद तक पके हुए ब्रसेल्स स्प्राउट्स की तरह है। फील्ड संग्रहालय के प्रतिनिधियों ने एक बयान में कहा, यह गंध कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो एसिड से आता है। बयान के अनुसार अरबों साल पहले इस तरह के उल्का पिंड पृथ्वी के निर्माण ब्लॉकों के साथ पृथ्वी के बीच बोने की संभावना रखते थे, और अब फील्ड संग्रहालय के वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल को आकार देने वाली सामग्री के बारे में सुराग के लिए बदबूदार अंतरिक्ष चट्टान का अध्ययन करेंगे। द मेटियोरिटिकल सोसाइटी ने बताया कि कोस्टारिका के अलाजुएला प्रांत के आसमान पर आग उगलते हुए 23 अप्रैल को अगुआ सरकास पृथ्वी पर गिर गया। प्रवेश के दौरान उल्का पिंड टूट गया। रिपोर्ट के अनुसार एक तेजी से बढ़ते हुए टुकड़े का वजन लगभग 41 पाउंड 1162 ग्राम था और दूसरे टुकड़े का वजन लगभग 10 पाउंड 280 ग्राम था। पृथ्वी पर लगभग 50,000 उल्का पिंडों का पता लगाया गया है। उस संख्या में 99.8% क्षुद्र ग्रहों से आते हैं। नासा के अनुसार मुख्य रूप से 3 मुख्य प्रकार के उल्का पिंड हैं, या तो वे अधिकांशतः समान मात्रा में लोहा, ज्यादातर पत्थरी या पत्थर और धातु का मिश्रण होते हैं। मुडबॉल एक प्रकार का स्टोनी उल्का पिंड है जिसे कार्बोनेसियस चोंडराइट के रूप में जाना जाता है। फिल हेक, रॉबर्ट ए प्रिजकर, एसोसिएट क्यूरेटर ऑफ मेटियोरिटिक्स और पोलर स्टडीज ऑन द फील्ड म्यूजियम में पृथ्वी पर पहुंचने वाले सभी उल्का पिंडों में से केवल 4% का निर्माण होता है। वे एक असामान्य रूप से दुर्लभ प्रकार हैं, क्योंकि अधिकांश माता पिता क्षुद्र ग्रहों में समय के साथ तीव्र ताप क्षुद्र ग्रह के रसायन को बदलते हैं और अमीनो एसिड को नष्ट कर देते हैं। हेक ने कहा कि हालांकि कई कार्बोनेसस चोंडराइट उल्का पिंडों में कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन उनमें से कई स्थलीय एमिनो एसिड से दूषित हो जाते हैं। अलग अलग उल्का पिंडों में अलग अलग वाष्पशील आविष्कार होते हैं, मुख्य रूप से क्योंकि वे अपने माता पिता के क्षुद्र ग्रहों पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग डिग्री पर पके हुए होते थे। इससे उन्हें अलग तरह की गंध आती है।